नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अपना हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक चलाना सीखेंगे और वो तरीके सीखने वाले हैं जिनके द्वारा आप बिल्कुल आसानी से बाइक चलाना सीख लेंगे। तो यहाँ पे पहला तरीका दोस्तों यही है कि आप अपनी बाइक को जो बीच का मेन स्टैंड है इस पर खड़ी कर दीजिएगा। ओके, ये आपका फर्स्ट तरीका रहेगा। और उसके बाद देखिए, बिल्कुल आसान है, यह हमारा स्विच है, कैमरा पास लो, इसको ऑन कर दिया। ओके, और यहाँ पर किक से हमारा बाइक स्टार्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको गियर चेंज करना सिखाऊंगा। देखिए क्लच दबाना है, ओके, और एक गियर पीछे लगाना है, उसके बाद क्लच को हमें धीरे धीरे छोड़ना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एक नंबर में हमारा धीरे धीरे बाइक चल रहा है। ओके, थोड़ा नजदीक रखो कैमरा। ओके, आप देख पा रहे हैं, ये ध्यान रहे कि दोस्तों थोड़ा आगे भार दे के रखना ताकि आपका पीछे का टायर बिल्कुल फ्री रहे। उसके बाद दो नंबर गियर लगाना है। तो देखिए हम बिल्कुल सिंपल सा तरीका अपनाने वाले हैं। देखिए थोड़ा सा जैसे एक्सीलेटर बढ़ा दिया, जैसे एक्सीलेटर बढ़ाएंगे तो आप हमारा पीछे का टायर ज़्यादा घूमना शुरू हो जाएगा। ओके, उसके बाद जैसे हम सेकंड नंबर गियर लगाएंगे करेंगे क्या, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस करेंगे, क्लच दबाया और एक्सीलेटर को पूरा कम कर देंगे और ये सेकंड नंबर लगा दिया। ओके, एक बार पीछे दबाने से हमारा एक गियर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हमारा ये सेकंड नंबर में चल रहा है। ओके, उसके बाद मुझे एक और गियर शिफ्ट टू करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल है, क्लच दबाया और फिर से ये एक गियर पीछे लगा दिया। अब हमारा तीन नंबर में चल रहा है, उसके बाद ये देखिए मैंने टॉप लगा दिया, बस चार गियर ही यहाँ पे लगेंगे। न्यूट्रल करना है तो क्लच दबाया, एक बार आगे दबाएंगे, एक गियर निकल गया, फिर दो नंबर, एक और निकल गया, फिर एक और निकल गया, ऐसे करके हमारा बाइक न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, तो ये तो रहेगा दोस्तों गियर चेंज करने का तरीका। इसको आप ऐसे बीच की पगी पर रख के सीख सकते हैं कि गियर कैसे लगाना। अब चलती बाइक में आपको क्या प्रोसेस करना है वो सीखते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, ये हमारा आगे का ब्रेक है और ये हमारा पीछे का ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, यानी जिसके द्वारा हम अपनी बाइक की गति को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरीका यह है कि आपको हैंडल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। यदि आपको साइकिल चलानी आती है तो हैंडल कंट्रोल आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा, और साइकिल चलानी नहीं आती, फर्स्ट टाइम ही आप टू पहिया व्हीकल चला रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, किसी व्यक्ति को पीछे बिठा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मैं इसको एक नंबर में रवाना करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्लच दबाया और एक बार अपना गियर पीछे लगा दिया है, एक नंबर लग गया। अब देखिए रवाना करना बिल्कुल सिंपल है, मैं यहाँ पे कोई एक्सीलेटर नहीं दे रहा हूँ और यहाँ तक लेके गया हूँ देखिए क्लच को। तो आपका बाइक यदि आपने एक्सीलेटर नहीं दिया है दब के बंद हो जाएगी। तो इस समय आपको करना क्या है, सिंपल सा प्रोसेस करना है। देखिए जैसे आपका बाइक का इंजन का आवाज़ धीरे होना शुरू हो जाएगा तो उस समय एक्सीलेटर थोड़ा सा बढ़ा देना है, ये थोड़ा सा एक्सीलेटर बढ़ा दे और क्लच को थोड़ा और आगे जाने देना है। फिर भी इंजन का आवाज़ कम हो रहा है, यानी बाइक दब रहा है, तो थोड़ा एक्सीलेटर और बढ़ा दो। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने फिक्स लो कर रखा है इस पोजिशन को, फिर भी है जो मेरा बाइक आगे रवाना हो गया है। जैसे ही बाइक पूरा कंटिन्यू चलना शुरू हो गया है तो मैंने मेरा क्लच पूरा छोड़ दिया। यह तो रहेगा दोस्तों आपका क्लच छोड़ने का तरीका। रोकते समय हमें क्या ध्यान रखना है, अपने का ये पीछे का ब्रेक ही दबाना है। ध्यान क्या रखना है, मैक्सिमम टाइम जैसे ट्रैफिक इत्यादि में चला रहे हैं तो आपका एक पैर तो यहीं रखना ताकि आप समय समय पर पीछे का ब्रेक दबाकर बाइक को कंट्रोल कर सकें। चलिए पीछे बैठिए, अब हम अपने बाइक के गियर शिफ्ट टू एंड शिफ्ट डाउन करना सीखेंगे। तो देखिए एक नंबर लगा दिया है, रवाना करने का वही तरीका रहेगा हमारा, ठीक है, ऐसे आराम से रवाना कर देंगे। ओके, देखिए आपका बाइक आराम से रवाना हो गया है। रवाना होने के बाद क्या करना है, सिंपल है, थोड़ा सा स्पीड हो गया है, देखिए मैंने क्लच दबाया, एक्सीलेटर कम किया, गियर को एक बार पीछे दबा दिया, ठीक है, दो नंबर लग गया। अब वापस से रवाना हो गया है तो क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर बढ़ा दिया, अब एक और गियर लगाना है तो हमने अपना थोड़ा स्पीड बढ़ाया, यानी एक्सीलेटर बढ़ाया,
एक गियर और लगा दिया। गियर लगाने का वही तरीका, हम अपना एक्सीलेटर कम करेंगे, क्लच दबाएंगे और एक बार गियर को पीछे दबा देंगे, ठीक है। जैसे बाइक मुझे धीरे करना है तो एक्सीलेटर कम किया, हल्का सा पीछे का ब्रेक दिया, एक गियर निकाल दिया, फिर एक और निकाल दिया, यदि बाइक बहुत ज़्यादा धीरे है तो। फिर हमने कंटिन्यू चलने दिया, ओके। उसके बाद थोड़ा स्पीड और बढ़ाया, फिर गियर शिफ्ट 2 कर दिया, यानी एक गियर और लगा दिया, फिर स्पीड और बढ़ाया और हमने एक गियर और लगा दिया। इस तरीके से ये अब हमारा बाइक टॉप में चलना लग गया है। इस तरीके से हमें अपना बाइक चलाना है। अब जैसे मुझे रोकना है तो यहाँ पर मैं मेरा हल्का सा पीछे का ब्रेक दूंगा, ओके। ये पीछे का हल्का सा ब्रेक दबाया और बाइक का क्लच दबा देना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में नए राइडर है, आपकी एक्सपीरियंस कम है बाइक चलाने का, तो आपको स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं करना है, यानी 30 से 35 का स्पीड ही रखना है, इससे ज़्यादा हमें स्पीड नहीं करना है, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें।